मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक। मुमरा के गांव देवी में पहाड़ की चोटी से पत्थर गिरने की वजह से उसके नीचे दबकर कविता बान पसारे नामक महिला की मौत हो गई थी। आज कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अभाड़ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें 4 लाख रुपए का चेक देकर आर्थिक तौर पर मदद की है। विधायक जितेंद्र अभाड़ के प्रयासों के वजह से ही जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ से मुआवजे की रकम दी गई है। विधायक जितेंद्र अभाड़ ने बताया है कि 2-3 दिनों से शाम के वक्त लगातार बारिश हो रही है और कलवा मुमरा में घटनाएं हुई हैं। पहले मुमरा में महिला की मौत हुई और फिर कलवा में कल बारिश की वजह से 2 मकान टूट गए और कलवा भास्कर नगर से 1-4 साल का लड़का आदित्य मौर्या पानी के तेज बहाव में बह गया और आज सुबह उसकी डेड बॉडी मुफतलाल कंपाउंड के पास नाले से बरामद की गई है। ये प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। वहीं मुमरा बाईपास पर पीड़ित परिवार से बातचीत करने के बाद उन्हें 4 लाख रुपए का चेक दिया गया और इस दौरान विधायक जितेंद्र अभाट और पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। और सर, आज जो पीड़ित परिवार था उसको मदद की गई है, कितनी आर्थिक मदद की गई? 4 लाख रुपए उनको आज दिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा शासन की तरफ से और भी कुछ पैसा उनको मिल जाए। और तहसीलदार साहब को मैंने ये भी बताया है कि ये जो पहाड़ है उसके ऊपर के जो पत्थर है वो बहुत ही डेंजरस है, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कल कलवा में बारिश हुई, कलवा में भी एक लड़का बह गया था 4 साल, क्योंकि कल जो बारिश हुई उसको मराठी में ढकपुटी बोलते, बादल फट जाना। 1 घंटे में 75, दिन में 24 घंटे में 50 mm की शक्ति माना जाता है कि 50 mm में बहुत बारिश हुई। कल 1 घंटे यानी 45 से लेके 50 मिनट में 75 mm बारिश हुई, पूरा मुंबई जाम हो गया। क्योंकि उसी वक्त दरिया में जो भर्ती आती है वो भर्ती भी उसी वक्त आई थी, तो पानी जाने की जो जगह है, जैसे मुमरा में खाड़ी है, कलवा में खाड़ी है, ठाणा में खाड़ी है, मुंबई में समंदर है, कोई रास्ता ही नहीं था। कल 6-7 घंटे के लिए पूरा मुंबई जाम हो गया। मुमरा में कुछ हादसा नहीं हुआ, लेकिन कलवा में पहाड़ के ऊपर से 2 घर बह गए, 2 लड़के बह गए थे, नसीब से एक लड़का हाथ में लग गया। एक लड़का आज उसकी बॉडी कल शाम को कभी मारी आज आज सुबह में आज आज सुबह 9 बजे। तो यानी ये बारिश कल की जो हुई, हम बारिश को भी कुछ बोल नहीं सकते, बारिश ऊपर वाला देता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन उससे मुकाबला करने के लिए शासन स्तर पर सभी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? सुनील कोंडी भगवान पसारे। अच्छा, आपकी वाइफ की डेथ हुई थी यहाँ पर? जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर अभाट साहब आए थे, कुछ चेक वगैरह दिए हैं, तो कितने का वो चेक है और क्या कहना चाहेंगे आप? अभाट साहब ने 10 लाख न्यूज़ में जब एक्सीडेंट हुआ था जब भी बोले थे, अब मेरे को अभी 4 लाख का मिल चुका है चेक हाथ में। 4 लाख रुपए का चेक उन्होंने दिया, मदद की है? मदद की। अब वो किसके तरफ से आया ये मेरे को पूरा मालूम नहीं। जिला अधिकारी की तरफ से आपको मदद मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आगे जो भी मेरे को जो मिलने उसका तत्काल मतलब मेरे को मदद मिल जाए, विनती कर रहा हूँ। उनके मदद से शाम को ये मिल गया, उन्होंने सब कोशिश किया, आते बराबर उन्होंने सब वायरस कर दिया और जाने जाके ये मदद मिला है। यानी अभी आप कहीं ना कहीं उनके जो काम है उनसे खुश हो? उनके पहले से हम उनकी पार्टी में हैं, उनके साथ हम खुश हैं, जो करेंगे तो वो करेंगे, हम उनके पीछे रहेंगे।